दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो मैं डालता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो है गोदाम है, गोदाम के ऊपर ये शेड लगा हुआ है, रूफिंग शेड लगा है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये पूरा रस्ट पकड़ लिया है। अक्सर क्या होता है कि जब नया नया शेड लगता है तो शेड भी कई टाइप का होता है, जैसे GI शीट का हो गया या टीन हो गया, एल्बेस्टर हो गया। शेड कैसा भी हो उसके ऊपर एक बहुत खास ट्रीटमेंट होती है वाटर प्रूफिंग का काम। अगर वाटर प्रूफिंग इस शेड पे नया नया पर लग गया होता तो इतना रस्ट भी नहीं आता। और एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है यहाँ पे कि इसमें से लीकेज बनता है। लीकेज थोड़ा बहुत बारिश का पानी हो जाता है, या विंटर सीजन हो या रेनी सीजन हो, दोनों सीजन में ओस की बूंदे जो है या पानी की बूंदे पूरे ज्वाइंट से नीचे फैल जाती है, और ज्वाइंट से जब पानी जाता है तो पूरा गोदाम में सामान रखा हुआ खराब हो जाता है। तो ये समस्या है, इसको ठीक करने के लिए पूरे शेड के ऊपर ये लिक्विड रबर की कोटिंग की गई है, जैसे कि आपको मैं वीडियो में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जब भी आप अपना शेड लगाएं या शेड पुराना पड़ चुका है और आप चाहते हैं कि कम खर्चे में ज़्यादा दिन तक इसका लाइफ बढ़ जाए और आपको कोई समस्या ना हो, तो उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम आप ज़रूर करा लें। नया नया पे काम हो जाने से कम खर्चे में वर्क हो जाता है और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। टोटल इस पर 3 से 4 कोटिंग की जाएगी। मटेरियल जो लगेगा लिक्विड रबर लगेगा, उसमें भी 2-3 टाइप का होता है वो लगेगा, और पूरा फाइबर मेश से इसका सारे ज्वाइंट बंद कर दिए जाएंगे। ओवरऑल अगर हर जगह इसकी कोटिंग कर दी जाएगी तो इस पर रस्ट भी नहीं आएगा और आपका सेट बिल्कुल नया बना रहेगा। छोटा सा ये काम होता है, आप सभी लोग को नहीं जानकारी होती है, कुछ लोगों को जानकारी होती है और वो समय से पहले वाटर प्रूफिंग कर लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा और इसका लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारी कंपनी है, टीम है, वाटर प्रूफिंग करती है, जिसका सर्विस पूरे दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे।